भूल जाओ कि हम सब कुछ जानते हैं। बाहरी तलों पर आप सब कुछ कभी भी नहीं जान पाओगे। अगर सब कुछ जानना है, सर्वज्ञ होना है, तो आपको कोई अन्य तल तलाशना पड़ेगा, किसी अन्य तल में गहरे उतरना पड़ेगा। और वह तल कौन सा? वो अपने आप का स्वयं का तल, जिसे भगवान कृष्ण स्वयं धर्म कहते हैं। मरो तो अपने स्वयं धर्म में मरो, वहां भी जाकर बलि देनी होती है, भूल मत जाना। बलि तो आप बाहर भी देते हो, सब इकट्ठा करते हो, पहाड़ों के समान खजाने, कुर्सियां, मान, पदार्थ इकट्ठे करते हो, और वो आखिर में आपको अंगूठा दिखा देते हैं, बाय बाय। तो मरते तो आप बाहर के धर्म में भी हो, यही बात कृष्ण कहते हैं, पर धर्म में मर जाने से श्रेष्ठकर है स्वयं धर्म में मर जाना। स्वयं धर्म क्या है? आपका अपना आपा, हु आर यू, उसको खोजने में मर जाना असली मर जाना है। मरते तो आप, कब से मरते आए और मरते ही रहोगे, ऐसी मरनी जो मरे, यही सिखा रहे हैं। आपने सीखा क्या है? गुरु गोरखनाथ से आपने सीखा क्या है? वो कहते हैं मरते तो आप हो, हर जन्म में मर मर के आज मौजूद हो, लेकिन जिस मरने से जग डरे मेरे मन आ, मरने ही से पाइए पूर्ण परमानंद। वैसी मरनी कब मरे जो गोरख कहते हैं, ऐसी मरनी मरो जिस मरनी मर गोरख डीठा, वो तुम्हें भीतर का गोरख डीठ जाए, दिख जाए, ऐसी मरनी मरो। नहीं आप बाहर की मरनी मरते हो, तल तल के जलते हो, सड़ते हो, रातों की नींदें हराम होती है, द्रव्य इकट्ठा करते हो, कितना हो गया जुड़ जाता है, खुश होते। मैं मिलीनेर हो गया, मैं मिलीनेर हो गया, मैं टिलीनेर हो गया, तुम कुछ भी ना हो गए। तुम्हारी भ्रांतियां मिलीनेर हो गई, ट्रिलीनेर हो गई, बिलीनेर हो गई, और अंत में तुम खाक हो जाते हैं, तुम राख की ढेरी में तब्दील हो जाते हैं। अभी हमारे मोटिवेशनल स्टार सिखा रहे हैं हाउ टू बिकम मिलीनियर, बिलीनियर, ट्रिलीनियर। वाह क्या बात! है खड़ा माली वो पीछे होशियार। क्यों गुलों पे हो रही बुलबुल निसार, क्यों गुलों पे हो रही बुलबुल निसार, है खड़ा माली वो पीछे होशियार, है खड़ा माली वो पीछे होशियार, मार कर गोली गिरा ली जाएगी जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बेमुहूर्त के उठा ली जाएगी जब तेरी। तुम्हारी चिपकाहटें
प्याज के छिलके ही प्याज है, तुम्हारी चिपकाटें ही तुम हो, और तुम्हारी चिपकाटें तुम्हारे दुख का कारण है। संत इस चीज को अच्छी तरह जानता है और संत तुम्हारे रग रग को पहचान लेता है। तुम जहां चिल्लाए संत समझ गया, वह फिर थोड़ी सी ज्यादा गहरी चोट मारेगा। एक एक प्याज का पर तो उखाड़ देगा और अंत में तुम तो हो नहीं, तुम कहते हो कि हम हैं। तर्क बड़े खड़े करता, बड़े बहुत बड़े बड़े तर्क खड़े करता, अगर हम ऐसा तो ऐसा, अगर हम नहीं करते तो फिर ऐसा कौन करता, तुमने क्या लेना भाई, जब तुमने बनाया नहीं, जब तुमने पैदा ही नहीं किया, तुम क्रिएटर नहीं हो, तुम व्यवस्थापक नहीं हो, तो तुम प्रश्नकर्ता क्यों हो गए? क्या हक है तुम्हें प्रश्न करने का? क्यों करता है वो? तुम परमात्मा तक से प्रश्न करना शुरू कर देते हो और फिर तुम कहते हो कि वो नहीं है, और तुम्हारे नहीं कहने से वो नहीं नहीं हो जाता। ये बात ध्यान में रख लेना। अगर बच्चा, छोटा बच्चा, अबूझ बालक, अबोध बालक ये कह दे कि मेरा पिता है ही नहीं, तो उससे क्या पता चलता है कि वो हराम का है बस, और इससे ज्यादा कुछ पता नहीं चलता। अज्ञानी बालक की तरह तुम कहते हो कि वो है ही नहीं, तो ठीक है ही नहीं, इसलिए तो चिल्लाते फिरते। नास्तिकों ने कहा कि वो नहीं है, लेकिन वो भूल गए कि सिर से एक साया उन्होंने खुद ही हटा दिया जो उसकी सदा रक्षा करता था। अब वो फरियाद नहीं कर पाते, किससे फरियाद करें? जब डॉक्टर है ही नहीं तो आप घर पे पड़े पड़े दर्द से कराहोगे, तड़पोगे, चीखो चिल्लाहट मिटाओगे, डॉक्टर तो होते ही नहीं, हॉस्पिटल जाओगा कैसे? यही आज तुम तड़प तड़प के जान दे रहे हो, दुख और दर्द से सने हुए तुम कुरला रहे हो, और तुम्हारा इलाज किसी के पास नहीं, क्योंकि इलाज होता ही नहीं। जब होता ही नहीं तो तुम कराओगे भी कैसे? ध्यान रखना, मैं अपनी विषय से भटका नहीं, तो मैं परत दर परत तुमको खिला दूंगा, लेकिन मैं एक बड़ी चोट देने की फिराक में हूं। या तो तुम मेरे पास आओ ना, गलती से आगे हो तो दामन बचा के निकल जाओ, बेहतर है। लेकिन अगर आ ही गए हो, उखली में सिर दे ही दिया है, तो फिर मूसलों से मत घबराओ। उखली में सिर या तो दो ही ना, वो तुम्हारी इच्छा, इसलिए गुरु पहले पूछता, मैं जैसा कहूंगा वैसा करोगे? तो शिष्य कहता हां मैं करूं। गुरु कहता है सोच लो, शिष्य कहता नहीं सोच लो, इस दुखड़ों से भरी जिंदगी से निजात पाना चाहता हूं, बस आप जहां भी रोग का चिन्ह दिखाई पड़ता है काट डालो उन अंगों को, मुझे चैन चाहिए, मुझे सुकून चाहिए। ये घाव से सने मवाद से भरे हुए कैंसर के फोड़ों को लेकर मैं रात भर परेशान और दिन भर बेचैन रहना नहीं चाहता। आप जैसा भी हो मेरा ऑपरेट कर दीजिए। तो गुरु को आप समर्पित हो जाते हो, क्यों? क्योंकि दुखी।
और जब आप गुरु को समर्पित होते हो तो गुरु आपसे कहता है देखो सोचो, ये उखली में सिर दोगे तो मूसलों से घबरा मत जाना। तो आपने अगर ये लिखते हैं महोदय कि आप हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, लेकिन हमें आपकी इन बातों में किसी गुरु व्यक्ति को गलत कहना, इसमें किसी तरह की आध्यात्मिकता नजर आती नहीं, मुझे आती आपको नहीं आती है। मुझे तो इसी में ही आध्यात्मिकता नजर आती है, क्योंकि आप हुई कहां, आप प्याज के छिलके मात्र हो, वो मैंने उखाड़ने। अगर कुछ होते जो कि उखड़े उखाड़ ना सके तो फिर मैं आपको उखाड़ने की चेष्टा भी नहीं करता। आप हो ही नहीं, आप छिलके मात्र हो मान्यताओं के, और वो मान्यताएं कंटीली हैं, दुख देने वाली, चुभती, सड़ांत है फोड़ों की। उसी के कारण आप कहते हो बाबा ये दुर्गंध बहुत आ रही है, ये दुख बहुत है जीवन में। तो गुरु कहता है ठीक, फिर आप मेरी शरण में आ जाओ। किसने नहीं कहा, भगवान कृष्ण यही कहते हैं, सर्वधर्मान प्रत्यच मामेकम शरणम प्रच। मैं तुम्हें सभी प्रकार के इन कैंसर के फोड़ों से, दर्द तकलीफों से, चश से, तुम्हारी नीरस जिंदगी से, इस दुखती हुई रगों से तुम्हें आजाद कर दूंगा। अहम त्वाम सर्व पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम गले हुए सड़े हुए अंगों को लेकर गुरु के पास पहुंचते, सड़ांध दूर से मारते, रोते पीटते हुए चीत्कार करते हुए आते, और गुरु जानता है, क्योंकि गुरु के पास आप पहले व्यक्ति नहीं हो जो आए। गुरु का तो धंधा ही यही, आप जैसे न जाने कितने आए और कितनों को काट छांट करने की युक्ति बैठाई गुरु। आप एक अकेले नहीं, इससे पहले बहुत आए गुरुओं के पास और गुरुओं ने उनका सफल ऑपरेशन भी किया, लेकिन मुसीबत यहां खड़ी होती है कि आप अपनी शर्तों पे सुनना चाहते हो गुरु। अब इन्होंने शर्त लगा दी, मुझे कोई आध्यात्मिकता नजर नहीं आती, आपको किसी गुरु के बारे में ऐसे शब्द प्रयोग करने के अंदर, और आप कहते हो कि संसारिक प्रश्न मत पूछिए, लेकिन आपके इस उत्तर में किसी गुरु के प्रति निरादर का भाव, हमें इसमें किसी प्रकार की आध्यात्मिकता नजर आती नहीं, आएगी भी नहीं। सड़ांध में क्या खुशबू नजर आएगी, तुम्हारी सड़ांध को सर्जरी से काटने की चेष्टा भर है मेरा काम, उसमें तुम्हें खुशबू आएगी कैसे। एक बार तो दर्द होगा, चीखोगे चिल्लाओगे, लेकिन याद रखना ये दर्द बड़ा कीमती सिद्ध होगा बाद में। जब हील हो जाओगे तो पाओगे जीवन परम सुगंधी से युक्त हो गया, नासूर हटा दिया गया। ध्यान रखना मैं मेरे विषय से भटका नहीं, एक एक परत को उघाड़ूंगा, क्योंकि आप परतें ही तो हो, और जिस वक्त कोई परत शेष न रह जाएगी तब आप कहोगे बाबा मैं कहां गया। बस ये मैं ही आपके लिए दुख लेके आता था, ये मैं ही आपके लिए दर्द का पैगाम लेके आता था,
जो गुरु छीन लेता है धीरे धीरे, और आप भरपूर कोशिश करते हो कि हमसे गुरु ये ना छीने। जहां जहां आपकी चिपकाहटें आपने पक्के फेविकोल एडहेसिव लगा के चिपका ली, गुरु पानी की फुहारें दे दे के उन्हें गलाएगा और उन चिपकाहटों को छीन लेगा। चीख मारो, आज चीख निकली, लेकिन अंत में मैं कुछ और भी करने का, यही बस नहीं होगा, क्योंकि बहुत जन्मों से आपका एक मूल तत्व तो अभी तोड़ना बाकी। ये तो धीरे धीरे मैंने कहा सुनार की चोट थी, अभी लोहार की चोट पड़नी बाकी। तो अंत में गुरु आपसे कहेगा कि तुम हो ही नहीं, तुम दुखी हो ऐसा नहीं, क्योंकि तुम बचना चाहते हो, तुम सुखी होके भी बचना चाहते हो और दुखी होकर भी तुम बचना चाहते हो, तुम मरना नहीं चाहते। और गुरु अच्छी तरह जानता है कि तुम्हारे मरने में ही तुम्हारा भला है, तुम्हारे जीने में तुम्हारा भला है नहीं। गुरु तुम्हें वो मृत्यु देना चाहता है जिसके भीतर अमृत छिपा पड़ा है और तुम डरते हो, अनजान राही हैं, अनजान व्यक्ति से पेशा पड़ा है, न जाने जानता भी है कुछ के नहीं, डरते हो तुम घबराते हो। ऐसे चिपकाहटों को तोड़ते तोड़ते, परत दर परत आपके प्याज की छीनते छीनते, गुरु आखिर में आपकी आखिरी परत को फिर लोहार की चोट देता है, क्योंकि अभी तक तो उसने मोह छीने थे जो तुमने बाहरी चीजों से बनाए थे, किसी शास्त्र से बना लिए, किसी गुरु से बना लिए, किसी धर्म संप्रदाय, किसी कम्युनिटी से बना लिए, किसी पार्टी विशेष से बना लिए, किसी पारिवारिक सदस्य से बना लिए, किसी प्रेमी प्रेमिका से बना लिए, संसार में किसी मित्रादि से आपने चिपकाहटें बना ली, जो आपको लगने लगी कि इनके बिना जिंदगी बेकार है। लेकिन ये तो बाहरी चोटें थीं, गुरु यहां तक बस नहीं करेगा, क्योंकि रोग बड़ा गहरा है जी, रोग बड़ा गहरा है। गुरु परत दर परत आपके भीतर आपके रोगों को दूर करता जाएगा, और आखिरी एक रोग आपका फिर भी शेष रह जाएगा जहां से शुरुआत की थी। वो रोग क्या है? बाहर के रोगों से तो तुम इतने नहीं तिलमिलाए थे, तिलमिलाए तो थे लेकिन इतने ना तिलमिलाए थे, लेकिन धीरे धीरे चोट देके सुनार की आपको लोहार की चोट सहने के योग्य बनाना, ये काम में संलग्न था गुरु। अब आखिरी चोट देते गुरु आपको आखिरी चोट क्या देता है? गुरु कहता है तुम शरीर नहीं और तुम थर्रा जाते हैं, मैं शरीर हूं नहीं। गुरु कहता है अब तक तो मैं कहता था ये विचार काटता था, मैं कहता हूं विचार ही तुम नहीं। वो आपकी भूमि खिसका लेता है आपके पांवों के तले से। पहले वो कहता था यह विचार गलत है, अब वो कहता है कि विचार गलत नहीं है, तुम विचार हो ही नहीं, झगड़ा ही मिटा देता है, आपके पांव तले से धरातल ही खींच लेता है, आप निराधार जमीन पे ऊंधे मुंह गिरते हो। कहता है तुम शरीर नहीं, तुम इंद्रियां नहीं, तुम मन ही नहीं हो,
तुम बुद्धि ही नहीं, तुम तो कुछ अलग हो, तुम ये नहीं हो, तुम इनके दृष्टा, तुम इन सब होने वाली घटनाओं के साक्षी मात्र हो। ये घटनाएं तुम नहीं हो, जिनके ऊपर घटनाएं घट रही हैं वो तुम नहीं, ना तुम घटनाएं हो, ना तुम बादल हो, ना जिस आकाश में बादल हैं वो आकाश तुम हो। तो फिर तुम कौन हो? तुम उन बादलों और आकाश को देखने वाले साक्षी। यहां आकर आपका धरातल बिल्कुल खिसका लेता है और आप निराधार हुए, निराधार हुए, गिर पड़ते हो। आपकी सारी मैं की शक्ति गुरु छीन लेता है। सत्य को दिखाकर बचने की बड़ी चेष्टा करता है, पग पग पर तुम बचने की चेष्टा करो। इसलिए गुरु पहले कहेगा, भाई सोच लो, आए तो हो, चोटों को सह पाओगे? तुम कहोगे हां, दुख दूर हो जाएंगे? गुरु कहेगा निश्चित। तो फिर अगर दुख दूर हो जाएंगे तो मैं तो बहुत दुखी हूं, मेरे जितना तो कोई दुखी ही नहीं। तो फिर गुरु कहेगा, भाई सोच लो, फिर मैं दवा दूं, फिर मैं मरहम पट्टी करूं, मैं कोई कांट छांट करूं, मैं कोई सर्जरी करूं, मैं कोई बड़ा ऑपरेट करूं, तुम मुसलों से डरोगे तो नहीं? और अगर तुम सहमति देते हो कि ठीक, हम डरेंगे नहीं, और इतने कितने के लोग हैं जो मुसलों के घाव सह पाते हैं। अक्सर तो लोग भाग ही जाया करते हैं, ये भागने की निशानियां। ऐसे प्रश्नों को मैं ढूंढता हूं, जिनसे तुम्हारा मैं आहत हो जाए। बस मुझे इसी बात की खबर देती है ये बात, तुम्हारा चिल्लाना, तुम्हारा आह भरना मुझे ये बताता है कि हां, छिपकाहट थी यहां, तुम दर्द से कराते हो, मैं समझ जाता हूं। दुखती रग थी और उस दुखती रग को हटा लेना तुम्हारे लिए फायदेमंद है। गुरु बहुत बड़ा सर्जन है, शुरू करता है छोटी सर्जरी से, हल्की सी चोट देगा, मैं शुरू से कह रहा हूं, सुनार की चोट देगा, नहीं मैं तो डिजाइनिंग कर रहा हूं, तुम्हारे गहनों पर मैं डिजाइन कूरे दे रहा हूं, ज्यादा सुंदर बन जाएं, और तुम संतुष्ट होते हो, ठीक है। लेकिन धीरे 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 वह पांव से शुरू करता है और तुम्हारी गर्दन दबा लेता है, और तुम अपनी गर्दन को दबाते हुए सहन नहीं पाते, तुम भाग जाते, तुम्हारे पास और कोई तरीका भी नहीं, फिर तुम किसी और गुरु को खोजते हो। ये तो ठीक नहीं, ये तो अरे मार ही डालता। तो तुम किसी तरह जान बचाकर भागना चाहते हो, तुम ये चाहते हो कि किसी तरह मेरे ये थोपे गए आवरण टूटें, मेरा ये जो मैंने चेहरा बनाया है ये बचा रहे, इसमें कोई तोड़फोड़ ना हो। और शुरू करता है गुरु बाहरी चीजों से, आपकी मान्यताओं को तोड़ना शुरू करता है। तो आप कहोगे मोदी है तो मुमकिन है, तो बाबा फिर ये तो मुमकिन है कि मैं आपको सुन लूं? तो गुरु कहेगा नमस्कार, फिर दूसरा भगत आएगा, वो कहेगा बाबा आपने ये क्यों बोल दिया, ये ब्राह्मण पुत्री आपने क्यों बोल दिया? तो गुरु कहेगा भाई तुम मत सुनो,
एक बात समझ ले, गुरु आपकी किसी व्यवस्था पर निर्भर नहीं। गुरु आत्मनिर्भर है। गुरु शरीर की किसी क्रियाकलाप के ऊपर भी निर्भर नहीं। गुरु इन मानसिक व्यवस्थाओं पर, विचारों पर, भावनाओं पर भी आधारित नहीं। गुरु सभी विचारों से, भावनाओं से, इंद्रियों से सबसे परे जो स्थित है, सबका साक्षी है, वो है गुरु। इसलिए गुरु निरअवलंब होता है। गुरु के पास कुछ ऐसा नहीं जिसे तुम छीन सको, यद्यपि तुमने कोशिश बहुत की। ईसा से उसके शरीर को छीन लेते, सूली चढ़ाते थे। ईसा कहां डरते? ईसा तुम्हारे लिए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, ओ गॉड फॉरगिव देम बिकॉज दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। वो जो करना चाहते हैं वो नहीं हो रहा है। ये मुझे मारना चाहते हैं और मैं मर नहीं रहा। वे तो इस मरते हुए, ठुकते हुए कीलों को हाथों में देखने वाला हूं और मंसूर को तुम हाथ, पांव, जीवा, कान सब काट काट के, तड़पा तड़पा के मार देना चाहते हो, लेकिन मंसूर मर जाते हैं। लेकिन कहां मरते हैं? तुम शरीरों को ही मार सकते हो। ना हन्यते ना हन्य माने शरीर है। वासांसी जीर्णानी यथा विहाय, नवानी गृहणाति नरो पराणी तथा शरीराणी विहाय, जीर्णा अनन्यानी संयाति नवानी देह। कृष्ण तो ये कहते हैं कि तुम उनसे पुराने वस्त्र छीन लोगे तो नए वस्त्र उनके लिए तैयार। अगर कर्म भोग समाप्त हो गए तो ठीक, अगर कर्म भोग अभी पड़े हैं तो इस सृजना में नए शरीरों की कोई कमी नहीं। तो गुरु आपको आखिरी आघात देगा, क्या देगा? आपसे आपकी जो असली मान्यताएं हैं, बहुत पुरातन, जो आप वृक्ष थे तब भी आपने माना कि मैं हूं, मैं वृक्ष हूं, मैं पत्थर हूं। आपकी चेतना बड़ी समाल लेवल पे थी, फिर आप नए चलने वाले प्राणी हो गए तो आपके भीतर ये भावना और ग्रसित हुई कि मैं पेड़ हूं। फिर आप चलने वाले प्राणी बने, आपके भीतर ये भी हुआ कि मैं चलने वाला प्राणी, फिर सोचने वाला प्राणी हुआ। ऐसे कितनी लाखों योनियों में भटकते 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 आपका ये संस्कार बड़ा गहरा हो गया। कौन सा संस्कार है जो गहरा हो गया और जो आपके दुख का कारण बना? वह यही संस्कार है कि तुम देह, तुम देही नहीं हो, तुम देह हो, तुम विचार हो, तुम भावना हो, तुम विचार और भावनाओं के दृष्टा नहीं हो, तुम बुद्धि हो, तुम बुद्धि को सोचते हुए देखने वाले नहीं, तुम मन हो। तुमने सदा ही इन बातों के साथ तादात्म्य रखा और तादात्म्य रखते रखते क्या हुआ कि तुम वो ही हो गए। इसे ही हम संस्कार करते हैं। जिसको देखा वो ही हो जाते हो, इसको ही भूल कहते हैं संत जन। इस भूल को ही खत्म करना होता है, यद्यपि तुम्हें पीड़ा पड़ी होगी, लाखों लाखों वर्षों की, अनंत अनंत जन्मों की यात्राओं का संस्कार आपसे छीन लेना इतना आसान भी तो नहीं। और संत अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि संत ने वो खोया है जिससे
आपसे जो छीन रहा है संत ने वो खोया है। वह उन गलियों में से गुजर गया जिन गलियों में से आप गुजर रहे हो। तो संत आपकी सभी प्याज के छिलकों को हटा देगा और आखिर में जो आखिरी छिलका बचेगा वो है मूल, वो आपका संस्कार जनित लाखों लाखों वर्षों का जन्मों का, जिसको आप बड़ी मुश्किल से छोड़ पाओगे। तब मुश्किल होगी, उसे मैं कहता हूं जंपिंग पॉइंट। जब आपसे बिल्कुल ओरिजिनेटेड पॉइंट छीन लिया जाएगा आपका कि आप तो ये है ही नहीं, तब मुश्किल आप खड़ी। इसलिए उस वक्त उस लम्हे में गुरु का होना परम आवश्यक है, क्योंकि आप कंपोगे, आपका रोम रोम थर्राएगा, ये भीषण तूफान की गड़गड़ाहट, ये काले मेघों का बरसना, ये अंधेरा अंधकार चारों तरफ, ये साए साए करती हवाएं, और तुम अकेले, और उस अंधकार की रात में तुम्हें गुरु कहेगा घबराओ मत, मैं हूं। बस यही एक कर्ज की आवाज तुम्हें हौसला देगी कि तुम मत घबराओ, अंधेरा है माना, काले बादल हैं माने, घनघोर घटाएं हैं, दुखों के पहाड़ हैं, कोई लशक्ति बिजली नहीं जो तुम्हें सुकून की सांस लेने दे, सब तरफ मृत्यु का तांडव नृत्य हो रहा है और भीषण आपदा काल है, लेकिन देखो घबराओ नहीं, गुरु तुम्हें उत्साह देगा, गुरु कहेगा मैं भी इन स्थितियों में से गुजरा हूं और देखो बरकरार हूं, और तुम मुझे जैसा सुख चाहते हो तो फिर सुख चाहते हो तो फिर कूद जाओ, छोड़ दो इसको, और तुम बड़े खुश नसीब होगे अगर उस वक्त गुरु की बात के ऊपर तुमने यकीन कर लिया। आखिरी लम्हा निर्णायक, इन चोटों को खा खा कर, चोटों को खा खा कर सब्र की घूंट भर भर के गुरु छीने जाएगा आपसे सब कुछ, और छीनेगा जो व्यर्थ है, जैसे बच्चा अपनी जेब के भीतर बंटे रख लेता है, कंकड़ रख लेता है, पत्थर रख लेता है, और सोए सोए माँ बाप उसकी जेब में से निकालता है, क्यों व्यर्थ का पार्ट हो, कहां से छीन के इकट्ठे कर कुरके लाए है किसको, और तुम कहोगे नहीं नहीं ये मेरे लिए, ये तो खजाना है मेरा। बस ऐसा ही तुम बार बार गुरु से कहोगे, नहीं नहीं ये तो मेरे लिए खजाना है, और ये तुम्हारी चीख के गुरु जी ने जो शब्द कहे ये किसी तरह से आध्यात्मिक नहीं, तुम्हारे लिए नहीं, लेकिन मेरे लिए ये ही आध्यात्मिक है, क्योंकि तुम इन्हें आध्यात्मिक समझे हुए हो, इसलिए मेरे लिए ये बलि के बकरे हैं, मैंने इन्हें छीनना है, मेरा उद्देश्य ही है। तो अंत में गुरु जंपिंग बोर्ड के ऊपर जो करज देगा वह आपकी सारी साधना का परिणाम होगा, जो थपेड़े आपने खाए चोटों के, घमंडों के टूटने के, आपकी मान्यताओं के टूटने के, जो थपेड़े आपने खाए और सहज सहज आपने बर्दाश्त किए, अभी तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाए, अभी तो गुरु जी पे चोट पड़ी, तुम पे कहां पड़े, अभी तो तुम्हारे ऊपर भी चोट पड़नी, कैसे निपटोगे जनाब। फिर उस घड़ी पे जाके ना आप भागने वाले ना आप ठहरने वाले, अगर आप थोड़े से हिम्मत पर निकले तो आप समझोगे देखिए मरे तो पड़े, दुखी होने से मरना, उससे अच्छा तो गुरु के शब्दों पर ही मर जाना चाहता, इसे ही कहते हैं श्रद्धा गुरु के प्रति। जब गुरु के प्रति श्रद्धा अगाध हो जाए तो फिर आप मरना स्वीकार करोगे, बस इसे ही कहते हैं गुरु ब्रह्मा
गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः, गुरुर साक्षात पर तस्मै श्री गुरु के नाम, वही जाके परीक्षा होती है चरम पॉइंट क्लाइक पॉइंट कि आपके भीतर गुरु के प्रति श्रद्धा कितनी थी, वही होता है हिसाब, अन्यथा तुम घबरा जाओ। अभी इतनी सी चोट भी ना बर्दाश्त कर पाए, अभी तो आगाज, अभी तो तुम्हारे शास्त्रों पे चोट पड़ रही, अभी तो तुम्हारी खोपड़ी की मान्यताओं पे चोट पड़ रही, और जब हिसाब होगा तुम्हारा सही, कैसे मुकरोगे जनाब, ये बताओ। होगा जब परलोक में तेरा हिसाब, कैसे मुकरोगे बता दो ए जना, तुम क्या कहोगे? मैंने पाला नहीं ये भ्रम कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, और आखिरी हिसाब यही होने वाला है आपका। होगा जब परलोक में तेरा हिसाब, कैसे मुकरोगे बता दो ए जनाब, जब बही तेरी निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बेमुहूर्त के उठा ली जाएगी, जब तेरी उस अंतम मरहले के लिए तैयार हो, चोटें खा खा के इन्हें स्वीकार, और अगर स्वीकार नहीं कर पाते तो फिर वक्त जाया ना, दो ही काम, या इधर हो जा या उधर हो जा। अगर किसी की शरण में गया है तो फिर उसकी बात के ऊपर यकीन कर, गुरु जो भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखी। धन्यवाद।